वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरकीरत सिंह बल, मेरे नाल स्टूडियो में मौजूद ने साडे सनिया सत्कारयोग पत्रकार बलविंदर सिंह जम्मू जी। तुसी वेख रहे हो गुड मॉर्निंग संगत। गल की जाए महंगाई की, जेकर महंगाई दे विच घर दे विच गल की जाए, हर एक दे घर दी जिहड़ी जरूरी वस्ता है जिहदे विच गैस सिलेंडर आउंदा है। गैस सिलेंडर की भावें असी गल पिछले समय विच भी करदे रहिंदे आ, जिहड़ा महंगाई दे मुद्दियां ते गल की जाए, जे अंकड़े पेश कीते जाण, 1 मार्च 2014 नूं जिहड़ा 410 रुपये तो शुरू हुंदा, 15 विच 610, उस तों बाद 17 दे विच 700, 18 दे विच 699 ते 2019 दे विच 701 हुंदा होया, 2020 दे विच 805 ते 21 दे विच जिहड़ा 850 दे करीब लगभग जिहड़ा रेट आ इस वेले सिलेंडर दा वेखण नूं मिल रिहा। जम्मू जी लोक सभा दे विच हंगामा लगातार हो रहा है, भावें वह महंगाई के मुद्दों को लेकर होवे, भावें किसान अंदोलन के मुद्दों को लेकर होवे, भावें जिहड़े किरती वर्ग के शोषण को लेकर होवे, जिहड़े नवे कानून किरती वर्ग के संबंध में उन्होंने घंटिया के काम में वाधा किया गया, कैसे देखते हो जी? देखो बल साहब, पिछले कुछ समय तो केंद्र सरकार जदों बीजेपी द्वारा सत्ता दे विच आई है, इन्हें पिछली जिहड़ी 5 साल की टर्म आ, इस टर्म के पूरा ही जोर जिहड़ा वह कारपोरेट अदारियां नूं फायदा पहुँचाउण लई लाता है जी। पब्लिक सैक्टर का अपनिवेश करना, उन्हां नूं वेचना ते उन्हां दे विच फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वधाउणा, FDI दी दा वाधा करना, मतलब इहदे नाल अल्टीमेटली साडे देश दा जिहड़ा पब्लिक सैक्टर आ उह अगले कुछ सालां दे विच खत्म हो जाएगा, उहदी थां ते सारा कुछ प्राइवेट सैक्टर दे विच चला जाएगा जी। इस वेले हालत जिहड़ी आ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀ, 3 ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी जम्मू साहब, जी तुसी गल्लां बातां करदे हो बिल्कुल ठीक आ। अज हर हर एक जबान ते एक सवाल है। हाँ जी, ओ सवाल ए है, भावे ओ मीडिया ते आके कहन ते ना कहन ते बाहर ते कहंदे ही ने कि यारो ए ए ए क्यों इस तरह करदे ने, ए जिहड़ा जुल्म कर रहे ने, पाप कर रहे ने, अपराध अज कर रहे या सरकार, ए क्यों कर रहे ने यार। हर एक दी जबान ते ए गल है, पर इहदा 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 जदों जवाब आपां गुरु नानक पातशाह तों मंगदे हां ना, पुछदे हां ना, तां गुरु नानक पातशाह जवाब दिंदे ने कि पाप बुरा पापी को प्यारा जी, पाप बुरा पापी को प्यारा। ते अग्गे जाके फिर अग्गे जाके दसदे ने मुंडे दा हाल की हुंदा, पाप कमावंदियां तेरा कोई ना बेली राम जी। ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਮੈਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਪਾਪੀ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਡੰਗਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਡੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਪੀ, ਓਏ ਪਾਪ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਪਾਪੀ, ਯਾਰੋ ਪਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਪਾਪੀ ਜੀ। ਬਈ ਮਾਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੋ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੀ। ਬਈ ਮਾਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੋ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਧਾਂਦਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਪਾਪੀ, ਓਏ ਪੰਡਾਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰਨ ਚੁੱਕੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਹਿਣ ਪਾਪੀ ਜੀ। ਮਾਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੋ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਧਾਂਦਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਪਾਪੀ, ਓਏ ਪੰਡਾਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰਨ ਚੁੱਕੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਹਿਣ ਪਾਪੀ। ਬਈ ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਪਾਪੀ, ਓਏ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਲਾ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਧਰਮੀ ਬਾਣੇ ਚ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਪਾਪੀ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਈ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ
बुनियादी हक भी उन्होंने खोण पापी वो इस गल नू मने जग सारा इथों जांदियां तां ही रोण पापी जी। इतिहास पढ़ के देख लो ए गुरु नानक का जिहड़ा जवाब आ सही आ कि नहीं सही जी जी। बई बेगुनाहां ते जबर जुल्म करके बुनियादी हक भी उन्हां दे खोण पापी ओए इस गल नू मन्ने जग सारा इथों जांदियां तां ही रोण पापी। बई सुई धागे दा कदे ना कम कीता सुई धागे दा कदे ना कम कीता कम कैंची दा सदा निभाउण पापी ओए घर भगवान दे नहीं अंधेर भोगल कीता अपना ओरक नू पाउण पापी ओए घर भगवान दे नहीं अंधेर भोगल कीता अपना ओरक नू पाउण पापी जी। यारो कीता अपना ओरक नू पाउण पापी। बल साहब ए सच है चिट्टे दिन वर्गा इस नू मन के चलिए कि कीता अपना ओरक नू पाउण पापी जी जी। ठीक भोगल साहब जी हाजिर लाउण लई बहुत बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। भोगल साहब ने अपनी काव्य सत्रां दे विच पापी दे जिहड़े औगण ने लोभी हंकारी ते आदिक जिहड़े सानू पेश कीते ने धन्नवाद जी हाजिर लाउण लई। जम्मू जी तुहाडे कोलों इक सवाल भी लैंदे आ भावें जिहड़ी तुहाडी गल चल रही आ उह भी तुसीं पूरी जारी रखियो। जिवें कि वोटां जे राजनीति दी गल कीती जावे जिहड़ा ममता बैनर्जी वाला मसला सामने आउंदा उस ते भी सानूं जानकारी दिओ। उस तों पहलां जिहड़ा लोक सभा दी जिहड़ी गल चल रही सी उह जारी रखो जी। लोक सभा दे विच असीं कहा वी 3 दिन हो गए हुण 15 तक लोक सभा उठा दित्ती गई आ। कल नूं लोक सभा च कोई कारवाई नहीं होणी। सोमवार फिर पार्लीमेंट जुड़ेगी जी। जिहड़ा इह गतिरोध बनया होया इनू तोड़न लई जिहड़ा लोक सभा दे स्पीकर ओम बिरला उन्होंने साहब पार्टी मीटिंग भी सद्दी। मैनू नहीं लगता उहदे च वी मामला कोई हल होवे। उह चाहुंदे वी चलाया जावे भावें कि रौले रप्पे च 2 बिल पास भी करते लोक सभा ने पर हालत जिहड़ी आ उह एड्डी सौखी नहीं गी। हालत माड़ी हैगी आ ते सरकार नूं जिहड़ा ना उह सारे फ्रंटां ते घिरदी जा रही आ जिहड़ी बीजेपी जिवें इह कारपोरेट दे हक दे विच जा रही आ उहदे नाल जिहड़ा दूजे धिरां नूं जिहड़ा कुचलिया जा रहा दूजे धिरां दे उपर जिहड़ा लेबर कोड आ। लेबर कोड सरकार ने बहुत सारे कानून जिहड़े मजदूरां नाल संबंधित उह बदल दिते उहदी थां ते 3 लेबर कोड लैण दे। उह लेबर कोड दे विच जिहड़ा कम दे घंटे जिहड़े मजदूरां ने बड़ी लंबी जद्दोजहद तों बाद घटाए सीगे 8 घंटे दा दिन बणिया सीगा शिकागो तों शुरू होया सीगा लड़ाई दा दौर ते अल्टीमेटली 8 घंटे दा हुण जिहड़ा इह 1 अप्रैल नूं उहनूं बदल के ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ 300 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 300 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧਣਗੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ
मतलब 400 का सिलेंडर जिहड़ा पिछले 7 सालों के 850 के नेड़े तेड़े पहुँच गया। इस करके जिहड़े गरीब लोग ने उन्हां दे विच 1/3 ने अपने जिहड़े आ सिलेंडर भराउणे बंद करते आ, वो जिहड़े सिलेंडर पासे रख दिते गए जी। इस करके जे ये होर मार वध होर सिलेंडर महंगा होया तो होर भी जिहड़ी गिणती वध सकदी आ। इस करके जे लोकां नूं बुनियादी सहूलतां नहीं मिलणियां उन्होंने कुदरती तौर पर सरकार विरुद्ध गुस्सा जरा रो वधना वधना है। इस करके सरकार नू इस मुद्दे से सही पासे जरा आना ही पैना है। ये गल जी है ये देश की जी पार्लीमेंट है वो सामने आ रही है तो सरकार के हमायती सारे जड़े लगभग साथ छड़ चुके हैं। जम्मू जी जरा ममता बैनर्जी वाला मसला सामने आ रहा वो फटड़ हुए ने उन्होंने किमें वेख रहे हो जी तुम? देखो ममता ये माड़ी गल हैगी है कि ममता बैनर्जी की असी इस गल तो एक गल तो प्रेज करते हैं कि उन्हें समुच केंद्र सरकार नू केंद्र सरकार ने किन्ने पूरा मंत्री मंडली बंगाल दे विच बैठन जा रहा वो तो अलावा 6 सूबियां दे मुख्यमंत्री उस तो अलावा प्रधानमंत्री गृहमंत्री ते बीजेपी दे प्रधान JP नड्डा जी ये लगातार उत्थे रैलियां कर रहे हैं। जो कुछ उस सरकार दे खिलाफ कहा जांदा वो कह रहे हैं। सानू लगता भी एक औरत कली जिहड़ी मुख्यमंत्री है हवाई चप्पलां पहनदी है उन्हें इन्हां नू चंगा चैलेंज दिता है चुनौती दिती बहुत वड्डी ये उहदे खिलाफ कोई इन जिहड़े इन्हां च आ जाण जिहड़े भी करप्ट होण जिहड़ा उत्थे स्कैम होया सी उहदे भी इन BJP च आ जाण वो दो धोते हो जांदे जो विरोधी धिर च रहिंदे उदों करप्ट होंदे। ये सारे जड़े मापदंड BJP अपना रही है यदा कोई ना कोई लोगों के जड़े कह रहे भी ममता करप्ट है वो खिलाफ भी दीदी को अब जाना पेगा बुआ को अब जाना पेगा जी पर हकीकत जी इवें नहीं लगती जिन्ना वो चैलेंज कर रही है वो तो योजे हमला करा ज करना चोन कमीशन ने यदा नोट्स लिया कि सामने आएगा वो तो बाद वैसे तो जो जेड सिक्योरिटी उन्होंने मिली हुई है जेड सिक्योरिटी कित्थे सी जदों किसी ने धक्का मारिया जिहड़े 4-5 बंदियां दे नां आ रहे आ जिन्हां दी चर्चा है उस समय जेड सिक्योरिटी ने उन्होंने छड्डणा ही नहीं हुंदा जी ते ओह क्यों छड्डिया गया ओह क्यों गैप होया इह इहदी भी जांच होएगी जी। जांच की आउंदा उन्ना चिर चोणां कित्थे चल जाणगियां पर उन्हां नूं सट लगी है उन्हां दी लत्त भी सुजी है जो कुछ डॉक्टर जांच कर रहे की डॉक्टर कहणगे कदों किन्ने समय च ठीक हो जाएंगे वो पूरी तरह तंदुरुस्त होणगे भी चोणां च नहीं मतलब ये कई गल्लां जिहड़ियां आउणियां उन्हां दी पिट्ठ च भी उन्हां कहा भी दर्द हुंदी है जी मतलब कई गल्लां हैगियां पर जे तेजी नाल वो विरोध कर रहे आ मतलब सारी इस लीडरशिप का वो तो लोग उन्हां दी इस गल तो तारीफ करदे भी कल्ली औरत ने मतलब झांसी दी राणी तरह विरोध कर रहे आ डट के खड़े आ अपनी गल तो इधर उधर नहीं हो रहे। ठीक है जातियां मैं नहीं कहता भी उन्हां दी सरकार च जातियां नहीं होईयां जिहड़ियां जातियां कदे CPM दे समय च होईयां सीगियां उहो जिहियां जातियां इन्हां दी सरकार दे विच भी होईयां विरोधियां दे उपर हमले भी होए मतलब इह सारा कुछ होया। इह साडी सियासत दा कुछ माड़े रुझान ने जिन्हां नूं दूर करन दी लोड़ आ। सियासत दे विच जिहड़े माड़े अंसर दाखल हुंदे जा रहे जिन्हां दी गिणती घटण दी बजाय वध रही है उन्हां नूं मतलब यही साडे देश दे प्रधानमंत्री जदों सत्ता ते काबज होए सी इन्हां कहि देणा दिनों की बात है हम इनको सभी को निकाल देंगे मतलब उहदी थां दे उल्ट यह हो रहा भी सियासत दे विच जिहड़े इस तरीके दे लोक आ उन्हां दी गिणती वधदी जा रही है। इहनूं घटाउण बारे सोचणा चाहीदा इहदे ते अमल होणा चाहीदा वो लोग आउण जिन्हां दा किरदार साफ सुथरा होवे जिन्हां दे उप्पर रेप दे केस ना आउण जिन्हां दे उप्पर फौजदारी केस ना आउण इस तरीके दे लोक जिहड़े आउणे चाहीदे तां कि देश नूं सही सही जड़ा प्रशासन मिल सके सही जड़े काम काज देश दे विच होण मतलब इस पासे वालों होना चाहिए पर राजनीति दे विच हो उल्ट रहा। राजनीति जड़ी है अज दे समय च एक धंधा बन चुकी है जी पैसा लाओ तो पैसा कमाओ मतलब ये सारा कुछ साडे देश दी राजनीति च चल रहा इहदे नाल जड़ा सेवा हुंदी सी कदे राजनीति वो नहीं रह गई इस करके इस तरीके दीआं प्रॉब्लम जड़ियां आ रहीआं ते वध रहीआं ने ते आम जनता दीआं दुख तकलीफां बारे बड़ा नहीं सोचा जा रहा इस करके ये किसानी का अंदोलन भी हो रहा महंगाई का अंदोलन भी हो रहा ते इहदे बारे केंद्र सरकार जम्मू जी वेख्या जा सकता है कि राजनीतिक लोगों के नैतिक गुण है
नैतिकता जी तजांदली दी जा रही है, एक शुभ जिहड़ा शगन नहीं मनिया जा सकता राजनीति दे विच। इस वेले जिहड़ा समां सानूं इजाजत नहीं दे रहा जी, कल फिर हाजिर होवांगे नवे विषयां ते गलबात करन लई। धन्नवाद, सति श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।